हाय वेलकम फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आज के मेरे इस नई वीडियो में। आज का वीडियो है डिशवॉशर कैटेगरी से। आज हम बात करेंगे डिशवॉशर के नंबर वन ब्रांड बॉश डिशवॉशर के बारे में, एंड बॉश का डिशवॉशर हमें क्यों परचेज करना चाहिए, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे कंप्लीट ओवरव्यू वीडियो अपलोड किया है। अगर आप भी वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिशवॉशर की प्लेलिस्ट को आप चेकआउट कर सकते हैं, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको बॉश के डिशवॉशर का वहाँ पर मिल जाएगा। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बॉश के 13 प्लेस सेटिंग वर्सेस 14 प्लेस सेटिंग डिशवॉशर के बारे में। ये दोनों डिशवॉशर विदाउट वाईफाई वाले मॉडल हैं। इन दोनों डिशवॉशर में क्या डिफरेंस है और क्या इसके फीचर्स हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको अपने इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये दो डिशवॉशर्स आपकी स्क्रीन पे है, जिसमें से लेफ्ट वाला है सीरीज 6 कैटेगरी का 13 प्ले सेटिंग के साथ SMS 66 GI01i। देन सेकंड मॉडल आपका है सीरीज 4 कैटेगरी का 14 प्ले सेटिंग के साथ SMS 46 KI03i। प्ले सेटिंग का मतलब 13-14% मील कंज्यूम करते हुए जितने यूटेंसिल्स वो ऑक्यूपाई करते हैं, इस डिशवॉशर के अंदर आप उन सब यूटेंसिल्स को एक बारी में वॉश कर सकते हैं। एंड 13 प्ले सेटिंग वाले मॉडल की करंट MRP है 51,990 का, एंड 14 प्ले सेटिंग वाले की करंट MRP 62,500 का है। बाकी बेस्ट प्राइसिंग के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप इसका परचेस लिंक भी चेक कर सकते हैं, आप चाहो तो उसको वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का फ्रंट फेशिया आपको मिलता है 13 प्ले सेटिंग वाले डिशवॉशर में, जिसमें आपका कंट्रोल पैनल एंड प्रोग्रामिंग का सारा इन्फॉर्मेशन रहता है। देन 14 प्ले सेटिंग का फ्रंट फेशिया कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है। तो लुक वाइज ही दोनों प्रीमियम लगते हैं, दोनों स्मार्ट लगते हैं देखने में। तो एक बार दोनों डिशवॉशर को ओपन करके इसके इंटीरियर को भी चेकआउट कर लेते हैं। तो इस 13 प्ले सेटिंग वाले डिशवॉशर के अंदर आपको बॉटम पे लोअर बास्केट मिलती है आपके हैवीली सॉइल डिशेस के लिए, जितने आपके बड़े गंदे बर्तन होते हैं। अपर बास्केट मिलती है आपके इसके नॉर्मली सॉइल डिशेस के लिए, जितने आपके छोटे या नॉर्मल बर्तन होते हैं। एंड कटलरी के लिए सेपरेट इसमें बॉक्स आपको मिल जाता है। देन बात करते हैं 14 प्ले सेटिंग वाले डिशवॉशर की, तो सेम लोअर बास्केट मिलती है आपको हैवीली सॉइल डिशेस के लिए, तो जितने भी आपके बड़े गंदे बर्तन होते हैं। अपर बास्केट मिलती है आपको नॉर्मल यूटेंसिल्स के लिए, मतलब छोटे यूटेंसिल्स आप इसमें वॉश कर सकते हैं। देन एक सेपरेट कटलरी ट्रे मिलती है, तो जितना भी कटलरी है प्रॉपर तरीके से इस कटलरी ट्रे के ऊपर रख सकते हैं। इन दोनों ही डिशवॉशर के बॉटम बास्केट के अंदर आपको फोल्डेबल रैक्स का ऑप्शन मिलता है, तो रेयर साइड वाले जो रैक्स होते हैं उनको आप फोल्ड कर सकते हैं, ताकि बड़ा अगर डायमीटर का यूटेंसिल्स आपके पास है तो उसको आप प्रॉपर तरीके से वॉश कर सकें। रैकमेटिक बास्केट का फीचर आपको इसकी अपर वाले बास्केट में देखने को मिलता है, तो इसका हाइट आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं अपनी नीड के हिसाब से। तो 13 प्ले सेटिंग की अपर बास्केट की हाइट एडजस्ट करने के लिए आपको पूरा ट्रे बाहर निकाल के देन उसको सेकंड वाले चैनल पे इंसर्ट करना पड़ेगा। तो अगर बड़ा डायमीटर का यूटेंसिल्स आपने बॉटम बास्केट पे रखा है, देन इसको इजीली ऊपर कर सकते हैं, या अपने अपर साइड में कोई हाई लॉन्ग स्टीम ग्लासेस रखें तो उसको आप डाउन कर सकते हो। जबकि 14 प्ले सेटिंग वाले डिशवॉशर के अंदर आपको पुश एंड पुल मैकेनिज्म देखने को मिल जाता है, तो पूरा ट्रे इंसर्ट करके आपको हाइट एडजस्टमेंट करने का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, जस्ट आप पुश एंड पुल बटन से आप इसकी ट्रे को ऊपर नीचे कर सकते हैं। एंड इस 14 प्ले सेटिंग के अपर वाली कटलरी ट्रे के अंदर आप कटलरी के साथ साथ स्मॉल टी के कप्स या स्मॉल बॉल्स वगैरह को भी आप रख के वॉश कर सकते हैं। इन दोनों डिशवॉशर के नॉइस लेवल की बात करें तो 13 प्ले सेटिंग वाला डिशवॉशर आपको साइलेंस कैटेगरी का मिलता है, जिसके अंदर आपको 52 डेसिबल साउंड देखने को मिलेगा। एंड 14 प्ले सेटिंग वाला डिशवॉशर आपको सुपर साइलेंस कैटेगरी का मिलेगा, जिसके अंदर आपको साउंड डेसिबल 46 डेसिबल देखने को मिलेगा। दोनों डिशवॉशर के नेट वेट की बात करें तो 13 प्ले सेटिंग वाला आपको 44 kg का एंड 14 प्ले सेटिंग वाला आपको 52 kg का मिलेगा, तो कंपैरेटिवली 14 प्ले सेटिंग वाला डिशवॉशर थोड़ा सा हैवी मिलेगा। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं इन दोनों डिशवॉशर के वॉशिंग प्रोग्राम्स की। टोटल 6 वॉशिंग प्रोग्राम आपको इन दोनों डिशवॉशर के अंदर मिल जाते हैं। इंटेंसिव कढ़ाई 70 डिग्री का प्रोग्राम आपको दोनों ही डिशवॉशर के अंदर मिल जाता है, जो कि हैवीली सॉइल डिशेस के लिए बना होता है, लाइक कुकर, कढ़ाई, पॉट्स एंड पैन्स। एक्सप्रेस स्पार्कल 65 डिग्री का प्रोग्राम आपको दोनों डिशवॉशर के अंदर देखने को मिलता है, जो कि एक रैपिड प्रोग्राम है, तो एक घंटे के अंदर आपको कम्प्लीटली वॉश एंड ड्राई यूटेंसिल्स मिल जाते हैं। ऑटो 45-65 डिग्री का प्रोग्राम आपको दोनों डिशवॉशर में मिल जाता है, जो कि एक सेंसर कंट्रोल्ड प्रोग्राम है, जो आपके यूटेंसिल्स के लोड के हिसाब से और उसके अंदर डर्ट लेवल के हिसाब से वर्क करता है। इको 50 डिग्री का प्रोग्राम आपको दोनों डिशवॉशर के अंदर मिल जाता है, जो कि एक इकोनॉमिकल प्रोग्राम है, तो अगर आपके पास समय है बर्तन धोने का तो ये वाला प्रोग्राम रिकमेंडेड है, जिसमें डिशवॉशर इकोनॉमिकल मोड में वर्क करके एनर्जी को सेव करता है।
प्रीरिंस का प्रोग्राम आपको दोनों डिशवाशर में मिल जाता है, जो कि एक 15 मिनट्स का प्रोग्राम है जस्ट रिंसिंग द यूटेंसिल्स। देन 6 प्रोग्रामिंग के अंदर आपको दोनों डिशवाशर में डिफरेंस देखने को मिलेगा। 13 प्ले सेटिंग वाले डिशवाशर के अंदर आपको क्विक वॉश का प्रोग्राम एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, जो कि लाइट सॉइल डिशेज के लिए प्रोग्राम है 29 मिनट्स का। वहीं पर 14 प्ले सेटिंग वाले डिशवाशर के अंदर आपको ग्लास केयर 40 डिग्री का प्रोग्राम मिल जाता है, जो कि स्पेशली डिजाइन किया आपके एक्सपेंसिव क्रॉकरी एंड ग्लास वेयर के लिए। तो प्रॉपर तरीके से आपका ग्लासेस का यूटेंसिल्स आप इसमें वॉश कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं इन दोनों डिशवाशर के अंदर वॉश ऑप्शंस की। तो तीन तीन वॉश ऑप्शन आपको इन दोनों डिशवाशर के अंदर मिल जाते हैं, जिनको आप वॉशिंग प्रोग्राम के साथ एड ऑन कर सकते हैं। वेरियो इको का एडिशनल वॉश ऑप्शन आपको 13 प्ले सेटिंग वाले डिशवाशर में मिल जाता है, जिसकी हेल्प से वाटर एंड एनर्जी कंजम्पशन रिड्यूस हो जाता है, थोड़ा सा टाइमिंग डिशवाशर का बढ़ जाता है ऑप्टिमम क्लीनिंग एंड ड्राइंग के रिजल्ट्स के लिए। एंड 14 प्ले सेटिंग वाले डिशवाशर के अंदर आपको वेरियो स्पीड प्लस का वॉश ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसको एक्टिवेट करने से 20-66% तक जो वॉशिंग का टाइमिंग है वो रिड्यूस हो जाता है। कम टाइम में ऑप्टिमम क्लीनिंग एंड ड्राइंग के रिजल्ट्स के लिए डिशवाशर वाटर एंड एनर्जी कंजम्पशन को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है। एक्स्ट्रा ड्राइंग का वॉश ऑप्शन आपको दोनों ही डिशवाशर के अंदर मिल जाता है, जिसको एक्टिवेट करने से डिशवाशर अपना ड्राइंग का एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है। तो जितना भी आपका प्लास्टिक टेबल वेयर यूटेंसिल्स होता है वो प्रॉपर तरीके से इसमें ड्राई हो जाता है। इस वॉश ऑप्शन को एक्टिवेट करने से थोड़ा सा एनर्जी कंजम्पशन में इंक्रीज आता है। हाफ लोड का वॉश ऑप्शन आपको 13 प्ले सेटिंग वाले डिशवाशर में मिल जाता है, जो रिकमेंडेड है आपके कम क्वांटिटी में और कम गंदे बर्तनों के लिए, जिसमें डिशवाशर अपनी फुल एफिशिएंसी से काम ना करके टाइम एनर्जी एंड वाटर तीनों चीजें सेव करता है। इस वॉश ऑप्शन को एक्टिवेट करने के बाद आपने डिटर्जेंट कम डालना है फुल लोड के कंपैरेटिवली। इंटेंसिव वॉश ऑप्शन आपको 14 प्ले सेटिंग वाले डिशवाशर में मिल जाता है, जिसकी हेल्प से आप अपने हैवी यूटेंसिल्स के साथ साथ अपने डेलिकेट यूटेंसिल्स को भी आप एक साथ वॉश कर सकते हो। इंटेंसिव जोन को एक्टिवेट करने के बाद जो वाटर प्रेशर का पेनिट्रेशन पावर है वो लोअर वाले बास्केट में ज्यादा रहता है, जहां पर आपने बड़े गंदे बर्तन रखे हैं, एंड अपर वाले बास्केट में जहां पर आपने डेलिकेट बर्तन रखे वहां पर इसका स्प्रे पावर कम रहता है। तो दोनों चीजें आप एक साथ वॉश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इंटेंसिव जोन फीचर। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन वीडियो। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड इन दोनों डिशवाशर के ऊपर कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो आपको मेरे चैनल पे डिशवाशर की प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी, तो एक बार जाके आप उस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हो। और आज के इस डिशवाशर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी अगर आपके मन में होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा आपके उस क्वेश्चन का जल्दी जल्दी आंसर करने का। एंड इन दोनों डिशवाशर के परचेज लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो कि आप एक बार प्राइस चेक भी कर सकते हो, चाहो तो वहां से आप परचेज भी कर सकते हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।